जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 1 2021 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आज इसका रहेगा पार्ट टू। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना ताकि सब बच्चों को पता चल सके कि CDS 1 2021 की करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू हो चुकी है। इसके अलावा CDS 1 2021 का बैच चल रहा है। नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो, करंट अफेयर्स गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। बुल्ढाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन गेट्स नेशनल रिकॉग्निशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, बुल्ढाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन है क्या चीज। बुल्ढाना ने एक जगह है महाराष्ट्र में जहां से इस पैटर्न की शुरुआत हुई है और अब इसे नेशनली रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है। बुल्ढाना पैटर्न में होता क्या है, देखिए, अगर सरकार को रोड कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए उन्हें मिट्टी चाहिए, सॉइल चाहिए, तो ये मिट्टी और सॉइल जो है उसी क्षेत्र की रिवर्स, नदियां और नालों से ली जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब रिवर्स, नदियां, नाले इनमें से जो है इन मिट्टियों को लिया जाएगा तो इस जगह पर जो है और जगह खाली होगी जहां पर पहले से ज्यादा वाटर स्टोरेज जो है की जा सकेगी। तो इससे डबल चीज होगी, डबल फायदा होगा, पहले से ज्यादा वाटर जो है स्टोरेज उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी जिससे सरकार को भी फायदा होगा। तो ये है हमारा बुल्ढाना पैटर्न ऑफ वाटर कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। गोलकोंडा फोर्ट जो है काफी न्यूज में रहा क्योंकि यहाँ की जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, इसकी वजह से गोलकोंडा फोर्ट जो है न्यूज में रहा। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पर है आपको पता है, कहाँ है, तेलंगाना हैदराबाद में, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हींग की कल्टीवेशन जो है इंडिया में भी स्टार्ट हो चुकी है, अब जो हिमालयाज है वहां पर हींग की कल्टीवेशन की जाएगी। इसका साइंटिफिक नेम भी जो है आपको पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। हींग जो है इंडिया 50% कंज्यूम करता है पूरे वर्ल्ड का, 50% वर्ल्ड का कंज्यूम करता है और सभी का सभी जो है इंडिया इंपोर्ट करता था हींग पहले। अब कल्टीवेशन शुरू होगी, कहां से इंपोर्ट करता है इंडिया सबसे ज्यादा हींग, ईरान से, अफगानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हींग सबसे ज्यादा यूज करता है इंडिया और पहली बार इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई है तो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, कौन से देशों से इंपोर्ट करता है पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे। फैनी ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फैनी ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए फैनी ब्रिज दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा इसी महीने और ये कनेक्ट किस किस को करेगा, सबरूम इन इंडिया विद रामगढ़ इन बांग्लादेश। और ये सबरूम कहां पर है, ये कहां पर है, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में, इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको पता होगा कि फैनी नाम की रिवर भी है त्रिपुरा में, उसी के ऊपर ये जो है ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसलिए इसका नाम है फैनी ब्रिज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आगे मैं आपको एक और चीज बता दूं, त्रिपुरा को जो हमारा इंडिया है उसके साथ जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है उस नेशनल हाईवे का नंबर है 8। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो है इंडिया को त्रिपुरा से कनेक्ट करता है, उस नेशनल हाईवे को एक्सटेंड किया गया था सबरूम के साथ और दूसरी साइड बांग्लादेश में 82 किलोमीटर दूर चिटागोंग एयरपोर्ट है, पोर्ट है वहां पर, एयरपोर्ट भी है तो उसके साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैनी ब्रिज, पता होना चाहिए। सबरूम है त्रिपुरा में, नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कनेक्ट करता है इंडिया को सबरूम के साथ भी, त्रिपुरा के साथ भी। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। मलधारी ट्राइब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रही। मलधारी ट्राइब कहां पर पाई जाती है, गुजरात में, गुजरात में। एक्चुअल में ये नुमाड्स ही थे और ये सेटल डाउन हो गए थे गुजरात में, किस वजह से, ये माना जाता है कि वहां में, वहां पर जो गुजरात में राजा होते थे ना उनको ये दूध, दही, चीज, ये सब कुछ जो है सप्लाई किया करते थे, उसके बाद ये सेटल डाउन हो गए थे कहां पर, गुजरात में। अभी ये काफी न्यूज में रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मलधारी ट्राइब का संबंध कौन से राज्य के साथ है, तो ये है गुजरात के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं, अमेरिका के हार्वी जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉकटन को अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी से। किस वजह से, किस चीज की डिस्कवरी के लिए? हेपेटाइटिस सी वायरस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। डिस्कवरी कौन सी हुई है, किस वजह से हुई है, नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली यहां पर आग लग गई थी जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में सीडीएस में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और ये मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसके पास से जो रिवर जाती है वो है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, आगे देखते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। इस वर्ष ये दूसरी बार मनाया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि जब इंडिया ने अपनी इंडियन कॉटन के लिए अलग से लोगो लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 अक्टूबर को। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे देखिए, एक्सरसाइज बोंगो सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में? इंडिया के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। आपका होमवर्क ये है, आपने मुझे ये बताना है फिजिक्स का नोबेल प्राइज और केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो है इस बार किन्हें मिला है और क्यों मिला है। ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। इसके अलावा गाइडेंस चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट या करंट अफेयर्स, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पे। जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।